नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हम आप सभी को बता दें कि जिसके लिए आपकी आंखें तरस गई थी कि यह चीज़ हमें कब मिलेगा, दोस्तों वह चीज़ अब आपको मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा है कि आपके जीवन काल में आने वाले दो दिनों के अंदर पूरा जीवन आपका बदलने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर अपने भक्त के जीवन काल में चमत्कार करते हैं तो दोस्तों उनके जीवन काल की सारी बातों को देखते हैं कि वह व्यक्ति कौन से कार्य किए हैं, कौन से कार्य उनके लिए सही था, कौन से कार्य उनके लिए गलत था। और दोस्तों पिछले कई समयों से आप अपने जीवन काल में लगातार मेहनत पर मेहनत, यकीन पर यकीन और भगवान पर विश्वास करते आ रहे, तो दोस्तों आपको भगवान कैसे ये खुशी नहीं देते। भगवान भी यह चीज़ देने के लिए बेकरार हो रहे थे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं कि भगवान हर कार्यों को समय पर ही देते हैं। भले ही आपको लगता होगा कि यह चीज़ जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं हमें नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों आने वाले दो दिनों के अंदर भगवान आपके सब्र का, आपके इंतहा का फल देने वाले हैं। तो दोस्तों इसी में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि दोस्तों आज का यह वीडियो पूरी तरह ग्रह गोचर पर निर्मित है। अगर आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जान पाएंगे कि आखिर आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, आने वाले दो दिनों में आप कौन सा ऐसा कार्य करेंगे ताकि भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सके। और शायद दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको ऐसा एक उपाय, एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जो कि दोस्तों इन दो दिनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोले भंडारी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को प्यार से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जय माँ लक्ष्मी लिख दें। भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन काल पर होगी। आपके जीवन काल में सारी समस्याएं खत्म होंगी और जीवन काल में आपको खुशियां मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आए दोस्तों इसके उपरांत बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि यह चीज न चाहता हो कि उनके जीवन काल में पेशा ना आए, कि उनके जीवन काल में खुशियां ना आए और उनके घर परिवार में सुख शांति ना आए। जी दोस्तों, बेशक सी बात है, हर इंसान यह चाहता है कि उनके जीवन काल में उतना धन हो ताकि वह अपने जीवन काल में जो भी चीज़ें हैं उन्हें खरीद सके, जो भी उनके जीवन काल की पर्याप्त मात्रा में धन है उन्हें वह अर्जित कर सके। हर कोई चाहता कि उनका किस्मत का धन उन्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन दोस्तों हर इंसान सही कार्य को नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग रास्तों से भटक जाते हैं, कुछ लोग किसी के बहकावे में आ जाते हैं, गलत लोगों के सलाह ले लेते हैं जिनसे उनको परेशानियों का सामना करना होता है और सही समय में उनका सभी कार्य नहीं बन पाता है। तो दोस्तों ऐसे में आप कौन सी गलती करते हैं, आप कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं? जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुरंत ही किसी के ऊपर विश्वास कर लेना। जी दोस्तों, जिस लोगों पर आपको विश्वास नहीं भी करना होता है आप ऐसे लोगों पर तुरंत ही यकीन कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपने जीवन काल में आज ही आप इस गलती को छोड़ दें कि बिना जाने बुझे, बिना समझे किसी के ऊपर तुरंत विश्वास ना करें। इसके दौरान दोस्तों आपकी जीवन काल की दूसरी गलती हो जाती है जो कि दोस्तों आप जाने अनजाने में कर देते हैं। जी दोस्तों, मैं आपसे बता दें कि जब भी आपके जीवन काल में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, जब भी आप थोड़ी सी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों आपके मन में कहीं ना कहीं जरूर ऐसा लालच आ जाता है, आपको लगने लगता है इस चीज़ से हमें उस चीज़ पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हम वहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों भूल से भी आपको इस गलती नहीं करनी है कि दोस्तों भगवान आपको जो दे रहा है वो आपके लिए कम नहीं है। भले ही आपको अभी वह कम लग रहा हो, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में वो आपके लिए सबसे बड़ा मिसाल साबित होगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों का भी आप ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो बात आती है जो आप हर रोज कर देते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस कार्य को नहीं करें लेकिन दोस्तों फिर भी आप कर देते हैं, दोस्तों वह कार्य है गुस्सा करना। जी दोस्तों, आप शुरू बता दें कि मन को अशांत करना,
मन में आप हमेशा लगातार सोचते रहते हैं कि यह कार्य हमारा नहीं बन रहा है, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, जो उनका हमारा पूरी तरह बर्बाद होने वाले हैं, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये सब करने से आपका जीवनकाल कभी आगे नहीं बढ़ेगा, इन पर भी आपको ध्यान देना होगा कि दोस्तों जब भी जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं हैं बल्कि उन्हें शांत छोड़ देते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों जीवन में भी परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, दोस्तों आपको हल जरूर मिलेगा। जी दोस्तों, क्या दोस्तों हम सही बता रहे हैं यह बात सच है तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों से उपरांत बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति में कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं, शायद दोस्तों कौन सी विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए, इन बातों के बारे में विशेष बात करेंगे। साथ ही एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों इन दिनों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान होगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक आप ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आपका सोच समझ कर निर्णय लेना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको अवश्य ही अपने कार्यों में सफल करेगा। कोई रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर ही हो जाएगी। इसको उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में सामाजिक क्रियाकलापों पर अवश्य ध्यान दें, ज़्यादा आत्मकेंद्रित होना भी मानहानि दे सकता है, कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें अगर आप कभी कभी किसी विषय को गहराई से जानने की आपकी इच्छा भी आपको अपने विशेष लक्ष्यों से भटका सकती है तो दोस्तों यश में आपको इन सब चीज़ों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित बातों पर यश में आपका अधिक ध्यान बना रहेगा। पैसे से संबंधित तकलीफें को दूर करने के लिए आपकी कोशिश इसमें जारी रहेगी और इनकी वजह से किसी बड़ी समस्या का समाधान भी यश में आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यश में आप पर बने हुए कर्जे को दूर करने की आपकी कोशिश जल्द ही सफलता में बदलने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि ग्रह गोचर आपके लिए उचित समय का निर्माण भी कर रहा है। आप अपनी सूझबूझ तथा बुद्धिमत्ता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को सफल आप कर पाएंगे। दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद भी यश में आपके लिए बहुत ही उत्तम शब्द होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में ध्यान रखें कि बच्चे का अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है, मनोरंजन के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना जरूरी होगा। दोस्तों यश में अपने गुस्से पर काबू रखें तथा गैर कानूनी कार्यों में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए मिला जुला ये जो समय है फल देने वाला समय होगा। दिन की शुरुआत में सफलता तो आपको मिलेगी लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपकी कठिनाइयाँ बढ़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है। आपका विश्वास बनाए रखने के लिए आपको परिवार का खास व्यक्ति या फिर भाई का बहन का पूरा सहयोग मिलेगा। इसको प्रणाम दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से सफलता आपके नजदीक आएगी। हर बात को गहराई से समझना आपका विशेष गुण रहेगा। आय के उचित मार्ग भी यश में प्राप्त होंगे, कोई पैतृक संपत्ति संबंधी लाभ होने की भी योग बन रहे हैं। इसको प्रणाम दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में बदलते परिवेश की वजह से आप जो भी प्लानिंग किए हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बीमा या फिर निवेश संबंधी कार्यों के लिए जो समय है अनुकूल समय होगा। घर में किसी प्रिय संबंधी का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों आपसी मेल मिलाप आपको यश में खुशी देने वाले हैं। इसको प्रणाम दोस्तों यश में अधिकतर समय घर से बाहर गतिविधियों में भी बीत सकता है परंतु इसका कोई उचित परिणाम भी आपको हासिल होगा। इसलिए दोस्तों कोई भी नकारात्मक बात आपको वर्जित कर सकती है, इस बात पर ध्यान दें जिसका असर आपके श्वास पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों इनको लेकर यश में आपको सचेत रहना चाहिए। इसको उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि सेहत की तरफ ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। काम की बातें की वजह से आपकी भागादौड़ी बढ़ सकती है, परिवार से संबंधित जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ बातों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत भी यश में आपको पड़ सकती है। करीबी लोगों से खुलकर मदद मांगने की आवश्यकता होगी, अवश्य आपको मदद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की,
तो दोस्तों यशमी व्यावसायिक स्थल पर कुछ सुधार संबंधी परिवर्तन होंगे, उसमें वास्तु समस्त नियमों का अवश्य पालन करें। दोस्तों यशमी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, क्योंकि दोस्तों कुछ गलतियां होने की संभावना बन रही है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति का सलाह आप यशमी अवश्य लें। इसके बाद दोस्तों मार्केटिंग व फिर सेल्स से संबंधित कार्यों को पूरे ना होने की वजह से यश में आपके ऊपर तनाव भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, कार्यस्थल पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए तथा वर्तमान के कार्यों पर ही आपको ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। दोस्तों कर्मचारियों की गतिविधियों में संबंधित परेशानी खड़ी हो सकती है, परंतु दोस्तों तनाव लेने के बजाय समझदारी से हल निकालना आपके लिए ज़्यादा उचित होगा, तो इन पर ध्यान दें। इनसे दोस्तों आप समस्या का हल भी निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इस समय जीवन साथी के साथ संबंध आपका मधुर बना रहेगा तथा घर परिवार की जरूरतों पर भी आपको ध्यान देना आपके लिए समय जरूरी होगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि गुस्से और उत्तेजना पर आपको काबू रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो आइए दोस्तों अंत में बात करते हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जिन्हें अगर आप इन दो दिनों के अंदर कर देंगे तो दोस्तों खुशियों की झमाझम बारिश तो होगी, साथ ही घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों आपको अपने कार्यस्थल पर जाते और लौटते समय द्वार की जो जमीन को दाहिने हाथ से छूकर अपने माथे पर अवश्य लगाएं और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इससे दोस्तों भाग्य मजबूत होगा और इष्ट देव के आशीर्वाद से कार्यक्षेत्र में हमेशा आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों कार्य बड़ा हो या फिर छोटा हो यह मायने नहीं रखता, बस आप यह कार्य करें, छोटा कार्य भी बड़ा होगा और बड़े कार्य में चार चंद लग जाएगी। तो दोस्तों इन उपाय को करें, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।